तो आज हम कुछ ऐसा अलग नहीं करने वाले हैं। आज हम बस बालाजी के सिंपली सॉल्टेड वेफर्स का एक छोटा सा रिव्यू करने वाले हैं इसको खा के। ये है सिंपली सॉल्टेड और इसके पीछे बालाजी ने रंबल्स नाम के किसी तो अपने चिप्स का पब्लिसिटी किया है। ये मिलते हैं 5 रुपए के और ये है 16 ग्राम के चिप्स। तो 16 ग्राम होते कितने हैं? अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं इसके अंदर है क्या। अंदर है पोटैटो, एडिबल वेजिटेबल ऑयल, कॉमन सॉल्ट और कुछ है नहीं, सिंपली सॉल्टेड है भाई। इसके अंदर और होगा ही क्या, तो चलो इसको मिल के हम खोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कम से चिप्स थे जिसको हमने देखा और इस प्लेट में डालते हैं और गिनते हैं। बट पहले देखिए ये कितना मस्त चिप्स है, एकदम खतरनाक चिप्स। फ्लेवर या इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे अच्छे लगते हैं ये बालाजी के सिंपली सॉल्ट। सॉल्ट भी ज्यादा होता है, ऑयल भी ज्यादा होता है, लेकिन यार इंडिया में वैसे ही तो सब चलता है। तो आपको अगर ये नहीं खाना है तो आप इसे मत खाइए, अगर आपको ये खाना है तो फिर खाइए। कुछ कुछ वेफर्स कभी कभी गंदे भी निकलते हैं गाइस इसमें से, नहीं क्या? जैसे इसके बाजू में शायद ये बहुत ज्यादा जल गया है या फिर इसको ज्यादा ही तल दिया है, पता नहीं क्या है। बट यार मेरे को तो ये वेफर बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं और मेरे हाथ में तेल और सॉल्ट इतना सारा लग गया है। तो देखते हैं गाइस कि कितने वेफर्स निकल रहे हैं इस 16 ग्राम में। मुझे लगा थोड़े और होंगे लेकिन बस इतने से ही वेफर्स हैं। बट 5 रुपए में और क्या मिल सकता है हमें। तो अभी गिनने की कोशिश करते हैं कि टोटल हमारे पास कितने वेफर्स है। 14 वेफर्स। तो अभी इसे खाने का टाइम आ गया है और ये देखिए ये बहुत ही अजीब सा वेफर है, लेकिन इसका टेस्ट थोड़ा अजीब भी होता है लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। टूटा हुआ वेफर भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे इन जनरल बालाजी का सिंपली सॉल्टेड अच्छा लगता है। अगर आपको भी सिंपली सॉल्टेड अच्छा लगता है तो खाओ ना यार।